सूरत की मॉडल तान्या सिंह सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने तान्या की कॉल डिटेल खंगाली और फोटोज निकाले तो केस में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम जुड़ गया है। इसके बाद हर एंगल से केस की जांच की जा रही है। तान्या के क्रिकेटर लव अफेयर की आशंका भी जताई जा रही है क्योंकि तान्या के फोन से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिससे साफ होता है कि मॉडल और क्रिकेटर के बीच काफी नजदीकियां थी। लेकिन अब हर एंगल से पुलिस इसमें जांच कर रही है क्योंकि पुलिस इस सुसाइड केस को लेकर कई एंगल से तफ्तीश कर रही थी। ऐसे में फोन कॉल की डिटेल्स निकाली गई हैं, फोन को खंगाला गया है और उसके जरिए जो पुलिस को अभी जानकारी हासिल हुई है उसमें तान्या की नज़दीकियां क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ दिखाई दी हैं और उनके साथ अब क्या किस तरह के संबंध थे उसको लेकर पूछताछ की जाएगी और उसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दरअसल क्या हुआ है इस पूरे मामले में, हर एंगल से फिलहाल पुलिस जांच कर रही है किस तरह की नज़दीकियां थी, किस तरह के संबंध थे, इसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि क्या ये मॉडल और क्रिकेटर के बीच की नज़दीकियों की वजह से क्या उनके संबंध थे और क्या उसकी वजह हो सकती है, उसकी तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉडल तान्या सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। एक हफ्ते की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस, यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान की फोन कॉल डिटेल्स खंगाल रही है जब सुसाइड की उससे एक हफ्ते पहले की। फोन से मिली फोटोज की जांच भी कर रही है पुलिस। सुसाइड के बोध के बाद हेडफोन लगे हुए मिले थे, यानी जिस वक्त सुसाइड की उस वक्त हेडफोन लगे हुए थे तान्या को। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ही आखिरी कॉल किए जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिरी कॉल अभिषेक शर्मा को की गई, क्रिकेटर के साथ किस तरह के संबंध थे, क्या बातचीत हुई, आखिरी कॉल क्यों क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की थी, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है। लेकिन जिस वक्त सुसाइड किया तान्या ने उस वक्त उसके कान में हेडफोन्स लगे हुए थे, यानी क्या वो किसी से उस वक्त बात कर रही थी, आखिरी कॉल किसे की गई, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आखिरी कॉल भी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ही की गई और इसी वजह से पुलिस की तरफ से जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उस बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन मॉडल तान्या का जो सुसाइड है उसमें कौन कौन से एंगल अभी तक निकल कर सामने आए हैं और क्यों इस पूरे मामले में कहां से आ गया है क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम, क्यों ऐसा जो संबंध है उसके बारे में बात की जा रही है और क्या करेक्शन है, आइए वो आपको बता देते हैं। क्रिकेटर को आखिरी कॉल की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि तान्या ने आखिरी कॉल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की, फोन में अभिषेक से बातचीत का ब्यौरा भी मिला है, यानी वो जो डिटेल्स अभी तक खंगाली गई हैं उसमें अभिषेक के साथ बातचीत का ब्यौरा मिला है, सेल्फी और प्राइवेट फोटोज भी मिली हैं। इसके अलावा लव अफेयर की वजह से तो आत्महत्या नहीं की इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है कि क्या ये वजह तो नहीं है सुसाइड के पीछे, इसलिए इस एंगल को तफ्तीश करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर अभिषेक को कई मैसेज किए थे, वो जानकारी भी अब पुलिस के हाथ है। इस वजह से पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहती है कि असल में क्यों किया सुसाइड तान्या ने। लेकिन क्रिकेटर अभिषेक से पूछताछ भी करेगी पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। जांच के लिए क्रिकेटर को बुलाएगी सूरत पुलिस। सूरत पुलिस इस पूरे मामले में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को बुला सकती है पूछताछ के लिए। मॉडल की आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है, सुसाइड में लव अफेयर का एंगल होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इस वजह से अभिषेक शर्मा से पूछताछ की जा सकती है और सूरत पुलिस अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वेसु पुलिस के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पर जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरण जाना लेडी के फोन से हम CDR और IPDR में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मॉडल तान्या की सुसाइड मिस्ट्री के बारे में और क्या जानकारी सामने है और तान्या के बारे में क्या जानकारी अभी तक हासिल हुई है। मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाली थी तान्या, अभी सूरत के वेसु इलाके में रह रही थी तान्या। इसके अलावा मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और DJ का काम भी करती थी। पिता भवानी सिंह मिल में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। इसका भाई, तान्या का भाई कनाडा में पढ़ रहा है। बहन की शादी हो चुकी है। अभी तक परिवार के बारे में यह जानकारी सामने आई है लेकिन सुसाइड क्यों की इसको लेकर तफ्तीश जारी है। हमारे साथ सूरत से TV9 भारतवर्ष संवाददाता बलदेव सुधार जुड़ गए हैं। बलदेव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है लेकिन इसमें क्या सबसे अहम एंगल क्रिकेटर के साथ कनेक्शन का है या इसके अलावा भी और तमाम एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल से जांच कर रही है और क्रिकेटर के साथ जो एक संबंध की बात हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी अब तक सामने है? जिस तरीके के सूरत के वेसु इलाके में रहने वाली जो मॉडलिंग के व्यवसाय के साथ संकड़ा गली, मतलब जो तान्या है, सुसाइड कर दो दिन पहले अपने घर में
जो सुसाइड किया था उस प्राथमिक तपास में वेसू पुलिस ने अकस्मात मौत का गुना रजिस्टर करके उसमें तपास शुरू की गई थी। जो तानिया के पास प्रथम दृश्य में जो मोबाइल मिला था उसके चेकिंग किया गया, उसमें से तानिया के साथ जो आईपीएल के जो क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा का और तानिया का दोनों का एक जो फोटो सामने आया था, उस फोटो सामने आने से जो अभिषेक का नाम सामने आ रहा है। अभी तक वेसू पुलिस ने अलग अलग एंगल पे अभी तपास शुरू की गई कि तानिया का जो मोबाइल थे उसकी कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, को किस लास्ट में किस किस लोगों से बात हुई है। जिस तरीके से प्राथमिक तपास में ये भी सामने आया है कि वेसू पुलिस ने तानिया का जो मोबाइल जो कॉल डिटेल निकाली उसमें लास्ट कॉल उसके करीब के एक मित्र है जो मितेश नाम के जो मित्र है उसको रात को 11:30 बजे तक एक कॉल किया गया था और उसके बाद लास्ट कॉल जो उसका बताया जा रहा है। ले करीबन मतलब 12 बजे से के बाद जो तानिया ने सुसाइड की हुई आशंका जता जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सूरत की मॉडल तानिया सिंह ने जिस तरीके से सुसाइड किया है उसमें अलग अलग एंगल भी तपास की जा रही है, क्योंकि अलग जो विदेश में रहने वाली उसकी मित्र है जो उसको भी वीडियो कॉल किया था 2 बार, उसमें भी कई बातें की गई थी कि उसके कई दिनों से वो नाराज है कि किस तरीके से मतलब जो तानिया को कौन सी परेशानी थी, किस वजह से ये सुसाइड करना पड़ा, वो अभी बात एंगल जो सामने नहीं आया है। पर लेकिन अभी तक वेसू पुलिस ने अलग अलग कई एंगल्स हैं जिनकी जांच होनी है, अभी बाकी है, कई एंगल्स हैं जिन पे जांच कर रही है पुलिस। दोस्त को वीडियो कॉल की थी, वो दोस्त जिसे आखिरी कॉल की थी, ये तमाम जानकारियां भी जुटाई जा रही है और उसके दौरान क्या बातचीत हुई इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। लेकिन अब आपको उन 8 एक्ट्रेस और मॉडल की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने जिंदगी को छोड़कर मौत को चुना और ग्लैमर की दुनिया लगातार इसकी वजह से सवालों में भी रही है। देखिए ये वो बड़े एक्ट्रेस या मॉडल्स हैं जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में, मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन उसके बाद सुसाइड का रास्ता चुना। क्यों ग्लैमर की दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती हैं? 19 फरवरी को तानिया सिंह के सुसाइड केस से एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले ही अभिनेत्री और गायिका मल्लिका राजपूत ने 13 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर में जान दे दी थी। 26 मार्च 2023 को भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के होटल में मिला था। 24 दिसंबर 2022 को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। 15 अक्टूबर 2022 को टीवी की स्टार वैशाली ठक्कर इंदौर में जिन्होंने खुदकुशी की थी। मॉडल आकांक्षा मोहन ने 30 सितंबर 2022 को मुंबई में जान दे दी। 1 अप्रैल 2016 को बालिका वधु की फेम वाली प्रत्यूषा बैनर्जी की खुदकुशी से गंभीर सवाल उठे थे, तो वहीं 3 जून 2013 को जिया खान के आत्महत्या केस लंबे वक्त तक सुर्खियों में रही। इसी वजह से एक बार फिर ग्लैमर की दुनिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कामयाब होने के बावजूद सुसाइड का रास्ता चुनती हैं एक्ट्रेस या अभिनेत्रियां, ये बड़ा सवाल जरूर है।